कहने लगे, नजारे नयन से कहने लगे कि नयन से बड़ी कोई चीज नहीं। तभी मेरे दिल ने आवाज दी कि वतन से बड़ी कोई चीज नहीं, कि वतन से बड़ी चीज नहीं। अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आयुष प्रजापति, आज हम यहाँ एक ऐसे दिन की स्मृति में एकत्रित हुए हैं जो कि सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे देश के आत्मा की कथा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का केवल एक इतिहास नहीं बल्कि देशभक्तों के साहस, संकल्प और बलिदान की गाथा है। आज हम साहसी देशभक्तों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत माँ को ब्रिटिश शासन के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपार बलिदान दिए। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस स्वतंत्रता का सही उपयोग करें। हमारे युवाओं को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें वीरता, शूरता और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देकर एक मजबूत भविष्य का निर्माण करना होगा। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। आज हम हमारे भारत की स्वतंत्रता की राह लंबी और कठिन थी, लेकिन इस कठिन राह के अंत पर एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत का सपना था जिसके प्रति अटूट बलिदान और संकल्प से भरे हमारे पूर्वज थे। आज हम भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में देशभक्त, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और विविधता में एकता जैसे आदर्शों को कायम रखते हुए देश को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं। आइए हम मिलकर आजादी का जश्न मनाते हैं। आजादी का चक्र अनवरत चला हुआ न ठहरे, आजादी का चक्र अनवरत चला हुआ न ठहरे, फर फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे, सदा तिरंगा लहरे।